दमोह विधानसभा 55 का परिणाम सामने आया, कांग्रेस जीती, आरोप प्रत्यारोपों का दौर हुआ प्रारंभ। राहुल सिंह ने कहा मलैया परिवार के कारण हारे, तो मलैया ने कहा कि हमने नहीं, राहुल अपने कामों से हारे। प्रदेश के गृह मंत्री के बयान में मचाई खलबली, कहा जय चंदोस के कारण भाजपा दमोह में हारी। नमस्कार, समाचार विस्तार से। मध्यप्रदेश के दमोह विधानसभा 55 का परिणाम सामने आया, 17,097 मतों से कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज कराई। हालांकि इस जीत के पीछे के कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल में हम बात करेंगे जीत के पश्चात हुए यहां पर आरोप प्रत्यारोपों की, जो जमकर बात चल रही है उसकी। आरोप लग रहे हैं, आरोपों का जवाब दिया जा रहा है। यहां राहुल सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि जयंत कुमार मलैया के परिवार के कारण यहां पर भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जो कुछ हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ दोषी जयंत कुमार मलैया है। अब जयंत कुमार मलैया ने कहा कि राहुल सिंह अपने कामों के कारण ही हारे हैं, लोगों में आक्रोश था और जिसके कारण राहुल सिंह की पराजय हुई है। और इसी क्रम में एक और बयान सामने आता है, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कद्दावर नेता, रणनीतिकार, और अभी हाल में ही उनको प्रदेश के सरकार की ओर से प्रवक्ता भी नियुक्त किया गया है। जाने माने नेता हैं और मजी खिलाड़ी हैं, उनके बयान जो है वह बहुत मायने रखता है। छले गए हम छल चंदों से, चुनाव हारे हैं हम घर के जय चंदों से, बहुत लंबा इशारा करता है, उन्होंने इशारा किया। बयान के अनेक मायने निकाले जा रहे हैं। अब जय चंदों के ऊपर क्या पार्टी कार्रवाई करने वाली है, इस बात को लेकर अब चर्चाएं गर्म हो रही हैं। वैसे हम आपको बता दें कि कल हमने सीधे सीधे आपको जब सीधे लाइव दिखा रहा था मैं, तो इस बात का मैंने बार बार उल्लेख भी किया था, क्या अब जय चंदों के ऊपर कार्रवाई होगी या अवैधान मिलेगा। बिल्ला बिल्लियों को दूध की रखवाली दी गई थी दमों में, और फिर उन्होंने दूध पी लिया, अब मालिक क्या करेगा, कार्रवाई करेगा या अवैधान देगा, इस बात का भी मैंने उल्लेख किया था। क्योंकि जिस स्थिति से सामने जो कुछ सामने आ रहा था वह निश्चित रूप से चर्चाएं उत्पन्न कर रहा था आम जनमानस के बीच में, वहां पर जहां मतगणना हो रही थी वहां पर और बाहर जो चर्चाएं सामने आ रही थी उस बात का मैं उल्लेख कर रहा था। प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री और दमोह के सांसद, उनके द्वारा किया गया ट्वीट कि जीते नहीं पर सीखे बहुत। उसके बाद एक और ट्वीट आता है कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, पार्टी की जो नेता है वह अपने तरीके से कार्रवाई करते हुए जो कुछ उनको करना है वह पार्टी कार्य करेगी। अनेक मायने निकाले जा रहे हैं, क्यों ना निकले, क्योंकि जो कुछ हुआ है वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, दमोह के इतिहास में तो वह कुछ हो गया जिसका आशंका तो पूर्व से थी। अगर आशंका नहीं होती तो फिर लक्ष्मण कुटी में जो कुछ सामने आया था बयान में मंच से वह होता नहीं, और इसी आशंका को भांपते हुए शायद यह बयान दिया गया था। फिलहाल में हम आपको वह तीन बयान दिखा रहे हैं। पहला, राहुल सिंह ने क्या आरोप लगाए वह हम आपको सुनवाते हैं। आपका वार्ड कैसे हार, आपकी पोलिंग कैसे हार, आपको शहर की जिम्मेदारी दी, शहर कैसे हार? ऐसा नहीं लगता आपको कि बाहर के कार्यकर्ता और नेता धोख दिया और स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिला? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे तो कोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा के यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। ये भी एक सवाल बनता ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी आप क्या करते रहे, आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व
मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी है, शहर एक तरफा हार गए। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिलता है? ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिली जितनी हमें पहले राउंड से लेकर के देखी है। वो तो आप पूरा ग्रामीण का देखेंगे जो ट्रेंड है उसमें अपन जीते हुए हैं। तो ये जो शहर जो हारे हमारे, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके बाद अपन गद्दारी कर। मैं शिवराज जी थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय वीडी भाई साहब थे, सभी लोग थे, आदरणीय मलैया जी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल ऐसा ना हो कि कल को चुनाव जीत जाओ और बड़ा मलेरा टाइप फिर तुम बोलोगी। हमने काम नहीं किया। हमने उनसे बोला कि भाई साहब पोलिंग बताएंगी ना, जब आपकी पोलिंग जीतेगी तो हम आपके जवाब उठाएंगे, सवाल उठाई नहीं पाएंगे। तो जब आपकी पोलिंग नहीं जीती, आपका वार्ड नहीं जीता और आप इतने लंबे समय से 35 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, सवाल तो बनता है कि किसने जीता घात किया। मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूं कि मलैया परिवार की पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहां से हारी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, और मैं तो मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। आप इतने लंबे समय पार्टी के अंदर रहे, आपको पार्टी ने सब कुछ दिया और आज यदि प्रत्याशी बदला और दमोह में मेडिकल कॉलेज आ रहा था। और अब हम आपको सुनवाते हैं कि जयंत कुमार मलैया ने राहुल सिंह के आरोप का किस प्रकार जवाब दिया। के बाद जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, राहुल सिंह भाजपा के प्रत्याशी, उन्होंने सीधे आरोप आपके परिवार पर लगाया कि भीतर घात की वजह से चुनाव हारे, क्या कहना है आपको? देखिए, चुनाव होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। अगर हम हार जाएं तो मेरा मानना है कि हमें उसको जब्त करना चाहिए, और जीत जाएं तो जैसे कहते हैं अपने उबराना नहीं चाहिए। मैं भी 7 चुनाव जीतने के बाद पिछला चुनाव श्री राहुल सिंह से 790 वोट से हार गया। हालांकि मेरे पास तो बताने को वैध कारण भी है कि आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण जी कुसमरिया खड़े हो गए, हमारे सांसद रहे हैं 5 बार, और उनको 1100 से ज़्यादा वोट मिल गया और मैं 790 वोट से हार गया। परंतु मैंने तब भी किसी को इसके लिए नहीं कहा, मैंने अपनी हार स्वीकार की और बस कहा कि भाई जनता की सेवा करते रहे हैं, करते रहेंगे। आज फिर ये चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने श्री राहुल लोधी को कैंडिडेट बनाया। कैंडिडेट बनाने के बाद चुनाव हुआ, चुनाव में जनमानस पूरी तरह से उनके विरोध में था, और ये कह देने से कि ये स्टार प्रचारक रहे हैं और मंत्री रहे हैं और ये अपना वार्ड हार गए, जहाँ हम शहर में कोई वार्ड जीते ही नहीं हैं, देहात में भी हारे हैं। 17,000 की हार कोई हार होती है? कोई हरा नहीं सकता। 2-500 हज़ार वोट से तो समझ में आता है, 17,000 वोट से अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ जनता हरा सकती है। जनता खिलाफ थी, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में श्री राहुल लोधी जी के खिलाफ थी। संभवतः उनके दल बदल के कारण, उनका जो 1.5 साल का परफॉर्मेंस रहा है उसके कारण, और भी जो भी कारण रहे होंगे इसके कारण। अब भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत नेता हैं शहर में, हम भी यहाँ रहते हैं, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का भी घर है यहाँ, हमारे सांसद हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी का भी घर यहाँ पर है, नगर के मंडल अध्यक्षों के भी घर हैं यहाँ, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महोदया का भी घर है यहाँ, सबके वार्डों में हारे हैं। तो इसमें किसी एक को सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने मेरा नाम लिया है, उनको लगा कि हो सकता है हम साफ टारगेट हों, किसी और का नाम लेने में तो उनको तकलीफ भी होती। मेरा ये मानना है ये चुनाव वो अपने कारणों से हारे हैं, और मुझे जो बात करना होगी मैं पार्टी के सामने अपनी बात रखूंगा, और जिस तरीके से 3 माह पूर्व जो पार्टी में आए और एक हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो भी बड़ी हार बर्दाश्त करने का कहने का वो नहीं छोड़ पाए, और उन्होंने आरोप लगा दिया
ठीक है, आरोप लगाना तो आसान है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है और ना किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है मुझे, परंतु ये ठीक बात नहीं है, इस प्रकार से होना नहीं चाहिए। और अगर होता है तो ठीक है, अपना प्रणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। तो सुना आपने जयंत कुमार मलैया का जो ने जिस प्रकार राहुल सिंह के आरोप का जवाब दिया है, तो वहीं उनके शब्द में जो उनके बयान है वह आक्रामक भी दिखलाई दे रहा है, कुछ जगह पर सीधे सीधे चेतावनी भी है। अब वो पार्टी को क्या निर्णय करती है क्या नहीं करती है दोनों के बीच में वह बात अलग है, लेकिन उसी दौरान एक और बयान सामने आता है, छले गए छल छंदों से और चुनाव हारे हैं हम घर के जय चंदों से। नरोत्तम मिश्रा का जो बयान है उसने खलबली तो मचा दी है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। छले गए छल छंदों से और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जय चंदों से। ज़्यादा खुशी ना मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। कमलनाथ जी का ध्यान वहां नहीं जा रहा जहां पूरे देश में सफाया हो गया है। तो सुना आपने ये तीनों बयान थे, आरोप प्रत्यारोप, और उसके बाद प्रदेश के कद्दावर मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता का जो बयान सामने आया है, निश्चित रूप से अब यह बात तो समझ आ रही है कि पार्टी ने समीक्षा करना प्रारंभ कर दी है और समीक्षा के साथ में वह कार्रवाई करने के लिए आक्रामक रुख अपना सकती है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और जो कुछ होगा शायद अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन और शीर्ष नेतृत्व इस बात को अब स्वीकार करने की स्थिति में नहीं जाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जो कुछ भी होने जा रहा है आने वाले समय में वह निश्चित रूप से चौंका देने वाला होगा, चौंका देने वाला होगा। मैं बार बार आपको ये शब्द दोहरा, जो कुछ होगा वह चौंकाने वाला होगा, क्योंकि जिसकी कोई किसी ने कल्पना नहीं की होगी शायद ऐसी कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। किस पर होंगी किस पर नहीं होंगी आने वाला समय बतलाएगा, पर इशारा लोग समझ रहे हैं जनता के बीच में, और जो राजनीति के जानकार हैं पर जो संकेत दे रहे हैं उन संकेतों को देखते हुए उन संकेतों को समझते हुए हम आपको फिर बता रहे हैं, जो कुछ होगा वह निश्चित रूप से अप्रत्याशित होगा। देखते रहिए एलएनवी टीवी, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।